सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ईंटें वगैरह दिख रही है, वहाँ तक का हमारा जो प्लास्टर है वो निकल चुका है। उसके बाद हम सीलिंग आपको दिखाएंगे। सीलिंग में भी आप देख सकते हो नीचे जो रॉड होता है, हमने जो छत भरते हैं वहाँ तक वो पूरा पपड़ी बन के निकल रहा है, वो रॉड पर दिखने लगा है। यहाँ तक का हमारा पूरा काम इस वीडियो में हम करके आपको दिखाने वाला है, किस तरह से होता है वो पूरी प्रोसेस है। तो ये पहले एक बार नोटिस सुन लीजिए, वार्निंग, ये काम हमने और हमारी टीम में से किसी ने नहीं किया है, बस हमारे घर में चल रहा था, तो आपको सजेशन और प्रोफेशनल कैसे होता है वो दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें छैनी और हथौड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। ये ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारा जो लूज पार्टिकल या फिर अब लोग प्लास्टर हमने किया था वो लूज हो चुका है, उसे निकालने के लिए हमें छैनी और हथौड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ इस तरह से हमने आपको पूरा ये निकाला है और फिर आपको आगे बताया था, जहाँ तक भी जितने भी पपड़े आप पड़ती है उसे हमें पूरे अच्छे तरह से निकाल देना है। और मैं नीचे आपको दिखाता हूँ अभी कितनी डस्ट हो रही, सब हमने ऊपर से तोड़ के निकाला है, तो इतना सारा निकल चुका है आप देख सकते हो पूरा थोड़ा। उसके बाद दोस्तों हमारे जो सीलिंग बची है, जहाँ पे हमारा आप देख सकते हो वहाँ पे प्लास्टर वगैरह नहीं चढ़ रहा है, वहाँ पे हमें ग्राइंडर या फिर छैनी हथौड़ी की मदद से टीचे लगा देने हैं। टीचे यानी कि छोटे छोटे गड्ढे कर लेने हैं, या फिर ऐसे ग्राइंडर है तो आप वहाँ पर लाइन खींच सकते हो, कुछ इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। वैसे ये लाइन इसलिए खींचनी पड़ती है जब हम प्लास्टर करेंगे तो हमारे सीलिंग का जो कलर हुआ सरफेस है वहाँ पे और हमारा न्यू प्लास्टर दोनों को अच्छे से एक पकड़ बनाए रखे और फिर नीचे गिरने ना दे, इसलिए हमें यह करना पड़ता है। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ किस तरह से हुआ है। और एक और काम करना होता है, जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो हमें एक वायर ब्रश लेना है और इसे अच्छे से निकाल देना है, जितना भी हमारा जो कलर या फिर पपड़ी कलर की बन के निकल रही है वो सब अच्छे से साफ़ करके हमें निकालना पड़ता है। ये नहीं निकालोगे तो फिर भी वही प्रॉब्लम होगी तो थोड़े से टाइम के बाद कि हमारा जो कलर है वो हमारे जो न्यू प्लास्टर के है उसे लेके नीचे गिर सकता है, इसलिए हमें उसे भी अच्छे से पपड़ी को भी साफ़ कर लेना है। जैसे ही दोस्तों पपड़ी साफ़ हो जाए तो मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ हमने साफ़ करके कैसे किए। आप देख सकते हो ये पूरा कटिंग करके ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कुछ इस तरह से भी आपको भी अगर आपके घर में करवा रहा है तो ये पूरी ध्यान रखना है, आपको ऐसे ही करवाना है। ये हो जाए उसके बाद हमारा काम आता है, इसके ऊपर हम जो स्पेशल केमिकल लगाने वाले हैं वो, ये दोस्तों ज़रूरी होता है ताकि फिर से ना हो सके। ये डॉक्टर फिक्सिट का आप देख चुके हो, 302 है, सुपर लेटेक्स करके इसका है, ये स्पेशली इसीलिए काम आता है। मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो रिपेयरिंग और वाटरप्रूफिंग के लिए काम आता है, तो इसके लिए हम वाटरप्रूफिंग जैसा ही करने जा रहे हैं तो इसलिए हमने ऊपर किया। और इसकी प्राइसिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो 2000 के आसपास है, पर 5 लीटर आप लेने जाओगे तो 1500 से 1600 रुपये में मिल सकता है, मुझे 1650 रुपये में मिला था इसलिए मैंने आपको बताया। उसके बाद इसे कैसे मिक्स करना है, इसे डायरेक्ट तो हम दीवार पे लगा नहीं सकते, तो दोस्तों इसे हमें एक बाल्टी लेनी है और उसके अंदर जो डायरेक्ट प्लास्टर का जो सीमेंट होता है उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके अंदर एक बाल्टी में आप 5 से 6 ढंकन ये जो हमारा 302 डॉक्टर फिक्सिट है वो डाल सकते हैं, और इसे हम हमारी लैंग्वेज में डूगा बनाना कहते हैं, यानी कि जो प्लास्टर करते हैं उससे पहले एक डूगा बनाते हैं, एकदम पतली लेयर होती है सिर्फ सीमेंट की और ये केमिकल की, और इसे दीवार पे छिड़क देते हैं ताकि जो दीवार में थोड़ा बहुत भी डस्ट है या फिर अच्छे ऊपर लगे वो और नीचे हम जो प्लास्टर करेंगे वो दोनों के अच्छे पकड़ बना लेती है और ये काफ़ी अच्छा एक फिनिशिंग लेयर बन जाता है। उसके बाद हमें करना कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्शन वर्क वाले कारीगर होते हैं वो उनका ही काम होता है, तो ये कुछ इस तरह से वो अभी हमने जो डूगा बनाया है उसे इस तरह से पूरी जगह पे छिड़क देंगे। छिड़कने से हमारी एक पतली सी लेयर बन जाती है वाटरप्रूफिंग जैसी, सीमेंट और हमने तो 302 मिक्स किया उसकी वजह से, और ये करने से अच्छे से हमारा जो प्लास्टर करेंगे वो कवर होगे। और दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहूँगा, ये करते समय हमारे साथ एक छोटा सा हादसा भी हो चुका था जो अभी जस्ट मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अब देख लीजिए पहले फिर मैं आगे बात करता हूँ। जैसे कि आपने देखा हमारा जो काम चल रहा था वहाँ पे वो गिर चुके थे और उनका थोड़ा बहुत चोट भी लगी थी, तो उनके लिए भी एक लाइक कर दीजिए। फिर भी वो हमारा काम बंद नहीं किया था और उन्होंने स्टार्ट किया था, उनके पैर पे जो पूरा होता है ना रॉड लगने वाला जिसे हम पालक कहते हैं वो भी पैर पे गिरा था, लोकन का वो 15-20 किलो का होता है, फिर भी उन्होंने पूरी रात काम किया है हमारे यहाँ और कंप्लीट किया है।
उसके बाद प्लास्टर का जो मटेरियल होता है मिक्स करते हैं, सीमेंट और रेती वगैरह बना के माल वो इस तरह से छिड़क के लगा देते हैं। उसके बाद उनका काम होता है कि इसे छिड़क जाए तो उसे फिनिशिंग लाना है। फिनिशिंग कैसे लाते हैं? फिनिशिंग लाने के लिए उनके पास ही एक हमारा जो नॉर्मल लापी का होता है वैसे होता है, आप देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सूखा प्लास्टर भी लेते हैं और उसे भी छिड़क देते हैं ताकि जो उसके बाद वो लेयर करेंगे वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपको बनाया है, इसमें आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने कुछ छोड़ा है, पूरी प्रोसेस हमने शूट किया और आपके लिए लाए हैं। पता है मुझे कि दोस्तों ये चैनल कहीं पे पेंटिंग वर्क रिलेटेड है, पर ये हमारे कहीं पे काम आता है, रिनोवेशन करना है या फिर वो सब के लिए, तो ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से कहीं पे ज़्यादा लगाने से गिर भी सकता है, तो वो भी हमें संभालना है, उसे भी रिपेयर करना है। उसके बाद दोस्तों हमें करना कुछ नहीं, इसे फिनिशिंग के साथ इसे कंप्लीट करना है। कैसे करना है वो मैं आपको जस्ट अभी एक मिनट में दिखा देता हूँ। ये अभी हमारा थोड़ा ज़्यादा प्लास्टर लगाने की वजह से गिर चुका था और वहाँ पे हमने रिपेयरिंग किया और फिर से कई बार पतला प्लास्टर लेके हम इसके जो फिनिशिंग वाला लेयर है वो लगा रहे और इसे अच्छे से फिनिशिंग कर रहे ताकि हम इसके ऊपर वॉल पुट्टी ऐसा कुछ करें तो वो एकदम फिनिशिंग के साथ आए। ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद उनके पास जो हमारा वॉल पुट्टी का ब्लेड होता है वैसे एक होता है और उसकी मदद से एक्स्ट्रा प्लास्टर निकाल के वो हमारी जो वॉल या फिर अभी हम सीलिंग करें उसके अंदर एकदम फिनिशिंग लाते हैं। ये फिनिशिंग लाने के लिए उनके पास काफ़ी अच्छा हुनर होता है, जैसे कि हम पेंटर भाई हैं तो हमारे पास वॉल पुट्टी करने का हुनर होता है, हर कोई वो नहीं कर सकता, वैसे इनके पास ये प्लास्टर को अच्छे से लेवल करने का हुनर होता है। इनके लिए और इनकी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। दोस्तों आप देख सकते हो फिनिशिंग कर दिया, इसके बाद फिर से एक पतला लोखंड का जो होता है लोहे का वो उसकी मदद से एकदम फिनिशिंग वाला हो जाता है, यानी कि हमें लगेगा ही नहीं कि अलग से पहले लगाया था, वो लेवल कर देते हैं काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ तक का दोस्तों आपको काम पसंद आया है तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली सारी पेंटिंग के रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। जैसे ही हमारा प्लास्टर वर्क कंप्लीट होता है तो हमें तुरंत ही, जब तक हमारा जो एक्स्ट्रा प्लास्टर है वो गीला होता है, उसे निकाल देना है। अगर ये निकालोगे नहीं तो वो हमारी पूरी वॉल को फिर से रिपेंटिंग या सेंडिंग करने की ज़रूरत होती है, अभी तो हमें करना है इसलिए। और इसकी वीडियो भी आने वाली है, इसके ऊपर हम कैसे रिपेंटिंग करते हैं, वॉल पुट्टी करने वाले, वो सब डिटेल में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हो ये कंप्लीट होने के बाद हमें साफ़ करवा लेना है, नहीं करवाओगे तो दोस्तों जब ये सूख जाए तो नहीं साफ़ होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।